Chef, what you should. हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुमा केसरी कि उनके जीवन काल में उनने कितने अलग अलग प्रकार के रिकॉर्ड बनाए हैं। पहले पहली बार विधायक सीधे मुख्यमंत्री, फिर दूसरी बार विधायक, फिर मुख्यमंत्री, फिर तीसरी बार विधायक, फिर मुख्यमंत्री और पूर्ण बहुमत के साथ। फिर जब मध्यप्रदेश देश में आए तो पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार, दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार, ये भी सब रिकॉर्ड थे। और अब की बार एनडीए की भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार, ये तो सौभाग्य की बात है। और मोदी जी है तो मुमकिन है, यह वो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, एनडीए मुमकिन है हम सबके बीच में। इसलिए निश्चित रूप से मैं शुभकामना देता हूं और यशस्वी प्रधानमंत्री का। ये सारी चीजों को चलाने के लिए आप याद करिएगा, माननीय स्वर्गीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर लें या नरसिम्हा राव जी की बात कर लें, मनमोहन सिंह जी की बात कर लें, ये अभी लगभग हमारा 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो माननीय मोदी जी ने 10 साल जोड़ा है। अदरवाइज पूर्ण बहुमत की सरकार तो लगभग 90 से ऐसी मिलती जुलती सरकार चलती आई। जैसा आपने कहा है गठबंधन की सरकार, ये लोकतंत्र की हमारी विशेषता है। ये माननीय मोदी जी के लिए और गौरवान्वित करने वाला क्षण जो मोदी जी ने स्वयं ने अपने प्रारंभिक भाषण में भाजपा की दृष्टि से भी बात कही है कि उनके जीवन काल में उनने कितने अलग अलग प्रकार के रिकॉर्ड बनाए हैं। पहले पहली बार विधायक सीधे मुख्यमंत्री, फिर दूसरी बार विधायक, फिर मुख्यमंत्री, फिर तीसरी बार विधायक, फिर मुख्यमंत्री और पूर्ण बहुमत के साथ। फिर जब मध्यप्रदेश देश में आए तो पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार, दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार, ये भी सब रिकॉर्ड थे। और अब की बार एनडीए की भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार, ये तो सौभाग्य की बात है। और मोदी जी है तो मुमकिन है, यह वो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, एनडीए मुमकिन है हम सबके बीच में। इसलिए निश्चित रूप से मैं शुभकामना देता हूं और यशस्वी प्रधानमंत्री का। ये सारी चीजों को चलाने के लिए आप याद करिएगा, माननीय स्वर्गीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर लें या नरसिम्हा राव जी की बात कर लें, मनमोहन सिंह जी की बात कर लें, ये अभी लगभग हमारा 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो माननीय मोदी जी ने 10 साल जोड़ा है। अदरवाइज पूर्ण बहुमत की सरकार तो लगभग 90 से ऐसी मिलती जुलती सरकार चलती आई। और ऐसी सरकारें चल के सब दिखाई, नरसिम्हा राव जी ने सरकार चलाई है, बात की सरकार अटल जी ने चलाई है, माननीय मनमोहन सिंह जी ने चलाई है। आप अंदाज लगा लो कि ये जब पहली बार 2004 में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो 145 सांसद थे कांग्रेस के, ये बाकी दलों से मिलकर चलाई थी। उसके बाद 2009 में जब सरकार चलाई तो 206 सांसद थे उनके, तो वो उनका हिसाब क्या है वो भी तो याद रख ले। और फिर हमने तो 245-40 से ऊपर जा रहा है। तो ये उनके जैसा कल प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही कि 14, 19 और 24 तीनों को जोड़ लो तो 240 नहीं हो रहे कांग्रेस, तो ये वो उनका हिसाब रख लेना, हमसे तो बोले ही नहीं। मेरा तो ये कहना है कि मैं उनके लिए क्या बोलूं, अभी हाल इसमें बोला उसका उत्तर मिल गया। जब से राहुल गांधी जी ने कदम बढ़ाए हैं तब से कांग्रेस हमेशा अपनी पता नहीं क्यों हसरतें पूरी नहीं कर पा रही, और फिर भी नेता बनाओ तो बनाओ। इधर से पूछो, इधर से एक एक का क्या है, आपने नियम बनाया था, इधर प्रभु भी खड़े हुए हैं, एक आप एक एक कर लो इधर से आप प्रभु जी। अरे अच्छा, अब हमारा जल संवर्धन पे तो आ जाओ, ये कहा जा रही है सुननी पड़ रहा है। नहीं 5.5 हमने लगाना है, उनके कितने थे पहले, किसने बनाया, वो उधर ज्यादा था। नहीं देखो ये मैं आपकी बात वाले का जवाब दे देता हूँ कि ऐसे कोई हमारा कभी प्रयास नहीं रहेगा कि हम इतने बड़े पैमाने पे किसी पेड़ वेड़ को उखाड़े काटे, ये गलत बात है। ये तो मतलब अब इसमें मैं टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूँ कि सरकार कभी भी इस टाइप की घटनाक्रम से, मैंने
देखो प्रोजेक्ट तो रोज बनते हैं और प्रोजेक्ट अभी हमारी टेबल पे आएगा, हम देखेंगे, फाइनल करेंगे। मीडिया का मैं मीडिया बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे सनसनीखेज समाचार छापने से थोड़ा ऐसा लगता है कि विचार करना चाहिए, कम से कम न छापे तो ज्यादा अच्छा। अभी एक इधर से आएगा, इधर से आया, कौन बोल रहे हैं? अभी अब दो आखिरी इसीलिए तो मैंने क्यों नहीं, हम इसीलिए तो मंजूर कर रहे हैं। उसकी राशि 600 करोड़ रुपए की इसीलिए मंजूर की है कि हम इस जल को उस राशि में दे दें। और लेकिन एक और बात भी आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो हमको आशंका में उसका निदान करने का प्रयास करता हूं। पहले क्या होता था कि एकमात्र जलराशि छिपरा जी बहती थी तो लोग स्नान के लिए भी उपयोग करते थे, खेती के लिए भी उपयोग करते थे और फैक्ट्रियों में भी उसी का पानी लेते थे। अब नर्मदा जी के आने से हमारी खेती के लिए भी और अलग अलग उद्योगों के लिए नर्मदा जी का जल भी उपलब्ध है, तो छिपरा जी का जल छिपरा जी में काम आ जाए, बाकी नर्मदा से काम चला, क्योंकि तो जल की उपयोगिता तो बढ़ी रही है। इसके कारण से उसमें ये आशंका इसका मिलेगा, छिपरा जी का मिलेगा छिपरा जी। अब एक एक बता रहे इधर है, इधर अब उनके दल के अंदर वो क्या निर्णय करें, मैं तो क्या कह सकता हूँ इसमें। उनका दल है ना, वो अपने उनका अपना स्वतंत्र अधिकार है, मैं उस पर क्या टिप्पणी करूँ। अब केंद्र सरकार की रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में फॉरेस्ट कवर 25 से 50% तक घटा है। दो साल में भोपाल का फॉरेस्ट कवर 25% घट गया, तो वृक्षारोपण का अर्थ क्या रहता है? आप बात ही नहीं समझ रहे हो, आप ही का उत्तर आप ही दे रहे हो, मैं क्या करूं? आपने तो प्रश्न करा कि घटा और इसलिए फिर मैं क्या बोलूं, हमने तो लगाने की बात कही ना, तो ये और क्या समाधान है उसका? कोई बीमार है तो अच्छा करने के लिए दवाई दे तो रहे उसको, क्या करें?